सैम्पल पेपर देखने वाले हैं क्लास 9th SST का, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा और फाइनल एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और ये क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं इसमें से काफ़ी सारे। तो सबसे पहले हैं MCQ। MCQ का जो क्वेश्चन है पहला, व्हाट इज़ द पोजिशन ऑफ वुमेन इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में वुमेन की क्या पोजिशन है? तो देखो, इसका ऑप्शन जो डी है ना वो करेक्ट है। वुमेन आर सब्जेक्टेड टू मेनी पब्लिक रिस्ट्रिक्शंस। वुमेन पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं सऊदी अरेबिया में। हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान इज़ अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप। तो सर्व शिक्षा अभियान में किस एज ग्रुप के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है? तो 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है हमारा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ पे पिक्चर देखिए कि क्या दिख रहा है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द गिवन पिक्चर। तो ये जो पिक्चर है ये कौन से ऑप्शन से आपको अच्छी, मतलब कौन सा बेस्ट ऑप्शन है इस पिक्चर के लिए? तो डी या फिर फोर्थ वाला, गड्डी शीप बींग शीयर्ड, यानी कि शीप पर से ऊन उतारी जा रही है। ये हिंदी में है इसके नीचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है क्रमबद्ध तरीके से लगाना समय के अनुसार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ये 3, 1, 4 और 2। तो सबसे पहले जो हुआ था, रेडिकल्स वॉन्टेड रिवोल्यूशंस टू पुट एन एंड टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश इन यूरोप। तो रेडिकल्स जो है वो हटाना चाहते थे गवर्नमेंट को जो उस टाइम पर थी। सोशलिस्ट फॉर्म द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन पार्टी। फिर उसके बाद जो है, ज़ार निकोलस टू ने रशिया का एम्पायर रूल किया और फिर कंडीशन इन पेट्रोगार्ड वर ग्रिम। तो इस तरीके से कालानुसार लगा दी गई हैं। आइडेंटिफाई द कम्युनिटी विद द हेल्प ऑफ गिवन हिंट्स। तो कुछ हिंट्स गिवन हैं और हम लोगों को इन हिंट्स की मदद से कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करना है। तो कौन सी ये वाली कम्युनिटी है? तो ये कम्युनिटी जो है, देखिए क्या करते हैं, विंटर शिवालिक में बिताते हैं और फिर उसके बाद ये अप्रैल में नॉर्थ की तरफ मूव कर जाते हैं लाहौल स्पीति में। देखिए इतने से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये गड्डीज हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गड्डी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को ध्यान से मतलब याद रखना है बिल्कुल। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 जो है, इसका जो क्या आंसर है हमारा, मैच द फॉलोइंग। हम लोगों को क्या करना है, इसमें मैच करना है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है ना वो है हमारा ऐसे, देखिए, नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहाँ पर नहीं दी जाती? तो सऊदी अरेबिया में नहीं दी जाती है। 600 पीपल वर पुट इन प्रिजन। कहाँ पर? ग्वांतानामो बे में। 11 सितंबर 2001 का अटैक न्यूयॉर्क में हुआ था और मसैकर कैरीड आउट बाय द कंट्रीज आर्मी। तो कोसोवो में जो है मसैकर हुआ था। तो ए फोर्थ से कनेक्टेड, ए फोर्थ इन दोनों में है और बी वन, ए फोर और बी वन, यानी कि बी वाला जो है वो इसका करेक्ट आंसर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ए फोर, बी वन, सी टू और डी 11। नेक्स्ट देखिए 8th क्वेश्चन है कि बुग्याल मींस अ ड्राइड, इसमें से कौन सा है इनकरेक्ट बताना है। इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो बताना है। तो बुग्याल मींस अ ड्राई फॉरेस्टेड एरिया, नहीं, गलत है, गलत है। बुग्यास जो होते हैं वो अल्पाइन पेशर होते हैं या फिर मीडोज होते हैं जो कि उत्तराखंड में पाए जाते हैं और इनको नेचर्स ओन गार्डन कहा जाता है। तो ये वाला गलत है, बाकी सारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को। नेक्स्ट है, डैश इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बफर स्टॉक। बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोक्योर्ड बाय गवर्नमेंट थ्रू फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग है कि डेट्रीएच ब्रांडेड्स क्या है, ये किससे रिलेटेड हैं? तो ये हम लोगों को मैच करना है। तो इसमें देखिए ए वाला जो है वो डेट्रीएच ब्रांडेड्स हैं, फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया।
फिर उसके बाद हमारा जो बी वाला है जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल किससे रिलेटेड है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे। और जो सी वाला है वो है सुरान तीको सामील, ये रिवॉल्यूशनरी थे जावा के। और दिर्क वन होगें जो ये पर्सनालिटीज हैं और ये किस किस से रिलेटेड थे ये हम लोगों को बताना है। तो ये हो गया, तो आंसर देखिए डी जो है वो हमारा किससे कनेक्टेड है, डी फोर, ये डी फोर, हाँ ये वाला हो गया ना आंसर, बी बी वाला आंसर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए असर्शन और रीजन है, इन मेक्सिको एवरी इलेक्शन वॉज बॉर्न बाय PRI। मेक्सिको में जितने भी इलेक्शंस होते हैं सारे के सारे PRI जीत जाता है, ये तो मतलब बिल्कुल ट्रू बात है, तो असर्शन तो बिल्कुल सही है। रीजन क्या है, PRI मैनेज टू विन एवरी इलेक्शन मेनली थ्रू फेयर मीन्स, तो गलत है। तो ए इज ट्रू बट आर इज नॉट, बट आर जो है वो फॉल्स है, तो थर्ड वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं है बट गलत भी तो है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन होने का मतलब होता है कि भाई उसको बिल्कुल सही से डिफाइन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द रीजन दैट रिन्यूड एवरी ईयर इज आइडल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो इसका कौन सा रीजन है जो हर साल रिन्यू हो जाता है, तो वो इसका ऑप्शन है खादर, खादर थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब रीड द फॉलोइंग टेबल दैट शोज सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स इन PDS। PDS के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, रीड द डेटा एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये ऑप्शंस हैं और इसमें से फिर हमें क्या है, विच स्कीम टारगेटेड द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, कौन सी स्कीम है जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को टारगेट करती है, तो वो है अंत्योदय अन्न योजना, AAY। AAY क्या है, अंत्योदय अन्न योजना, AAY है, उन्होंने भी AAY लिखा है, तो AAY अंत्योदय अन्न योजना है वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को टारगेट करती है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग डेटा ऑन एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो डेटा को हमें रीड करना है ऑन द एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, और फिर उसके बाद हमें बताना है कि कौन सा वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। तो देखिए 15 वाला जो है इसमें फाइंड द डिक्रीज नंबर ऑफ टोटल पुअर इन, डिक्रीज कहाँ पर हो रहे हैं इतना 1993 से 2011 में, तो 1993 से 2011 में कितने जो है हमारे डिक्रीज आया है, एक सेकेंड, इसमें गरीबों की संख्या हमें मिलियन में दे रखी है, रूरल एरिया में इतने मिलियन लोग गरीब हैं, अर्बन एरिया में इतने लोग गरीब हैं, और जो है टोटल इतने लोग गरीब हैं, और फिर उसके बाद एस्टिमेट ऑफ प्रॉप, इसमें हमें ना एक चीज़ नहीं गिवन है, मेरे ख्याल से ये देखो यहाँ पे इन्होंने ईयर नहीं दे रखा है, यहाँ पे ईयर देना ज़रूरी है। तो वैसे जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमें 134, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने कम हुए हैं, तो 404 और 270 है ना, 10 में से 7 जाएगा 3 और 3 में से 2 जाएगा 1, तो इसमें से इसको माइनस करके आंसर आ जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो ऑड वन आउट फिशिंग और पोल्ट्री और फॉरेस्ट्री, तो इसमें ऑड वन आउट कौन सा हो जाएगा, तो आप बताइए कि भाई माइनिंग जो है वो ये तीनों के तीनों तो प्राइमरी सेक्टर के हैं, और माइनिंग किसका है, माइनिंग जो है वो हमारा इन सब से अलग हो जा रहा है ना, पोल्ट्री करना, फिशिंग करना या फिर फॉरेस्ट्री करना, ये एक तरीके की हैं और माइनिंग बिल्कुल इनसे अलग है। इंश्योरेंस, ट्यूटर, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट, तो इसमें कौन सा हमारा अलग है, इंश्योरेंस, ट्यूटर, अच्छा इसमें ऑड वन आउट इन द फॉलोइंग ग्रुप, अच्छा पूरे के पूरे ग्रुप में ऑड वन आउट हम लोगों को छांटना है और इसका ऑप्शन हम लोगों को बताना है, तो ऑप्शन ए में ही है ऑड वन आउट, ये है, ये सब तो सारे के सारे सर्विस सेक्टर के हैं, सारे के सारे सर्विस है, सर्विस है, सब सर्विस है, ये वाले डिफरेंट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जो 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोगों को क्या बोला गया है, फिल इन दी ब्लैंक्स। तप्ती रिवर जो है, तापी रिवर वो है मध्य प्रदेश और गुजरात में बेसिन एरिया, और जो कावेरी नदी है उसका बेसिन एरिया कहाँ कहाँ है, कर्नाटक, कर्नाटका, और मैं दूसरा ले लेती हूँ, इसका बेसिन एरिया कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु, कावेरी नदी बहती है इन इलाकों से।
ये ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, इन 1774 लुईस ये जो 16 है बर्बन फैमिली का, लुई 16 है बर्बन फैमिली का, वो थ्रोन उसने अडॉप्ट कर लिया, मतलब वो राजा बन गया। ही वॉज 20 ईयर ओल्ड एंड मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस तो वो 20 साल का था और ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से उसकी शादी हो रखी थी। अपन इज सक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी, और जब वो मतलब राजा बना उसने देखा कि ट्रेजरी यानी कि जो खजाना है वो तो पूरी तरीके से खाली है, अब क्या किया जाए। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, एडेड टू दिस वॉज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्राविजन कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेलिस, हुम डिड लुई 16 गेट मैरिड टू। तो इसमें तो हम लोग को बता रखा है कि जो है ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से किया है। अब ऑस्ट्रियन प्रिंसेस जो थी उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था मैरी एंटोनिया, ठीक है, प्रिंसेस का नाम बताना था बस। द डैश ऑफ अ पर्सन हेल्प्स टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइंड इलनेस, तो हेल्थ है इसका आंसर। आइडेंटिफाई करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट रेलवेज, रेलवेज के बाद के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बताना है। तो ये क्या करती है, टू रन लोकोमोटिव्स ओनली डीजल वॉज नीडेड एज फ्यूल, तो भाई ये तो देखो गलत है, और हमें क्या बताना है, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो सी जहाँ जहाँ पर हो वहाँ तो काट दो, लोकोमोटिव्स के लिए सिर्फ डीजल की जरूरत होती है, नहीं नहीं इलेक्ट्रिसिटी पे भी चलता है। स्प्रेड ऑफ रेलवेज इन द 1850s क्रिएटेड अ न्यू डिमांड, ये बिल्कुल सही है, तो ए तो होना चाहिए, सी नहीं होना चाहिए। आप देखते हैं टू ले रेलवे लाइन स्लीपर्स वर एसेंशियल टू होल्ड द ट्रैक्स टुगेदर, हाँ जी हाँ ये बात भी ठीक है भाई, बिना ट्रैक के कैसे चलेंगे, तो यानी कि हमें डीबी होना चाहिए, तो ए भी होना चाहिए डी भी होना चाहिए, तो बी तो होगा ही होगा कि रेलवे जो है कॉलोनियल ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि सी काट रहा है, बस सी नहीं होना चाहिए और ए और डी ज़रूर होना चाहिए, तो यही सी वाले ऑप्शन में है। अब आपका सेक्शन बी आ जाता है जो आपको थोड़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करने होंगे, तो इसलिए मैं अब इसको आंसर वाला पार्ट थोड़ा सा मैं बढ़ा देती हूँ ताकि हमें आंसर सही से देख पाएं। अब देखो जो बी सेक्शन है उसका क्वेश्चन है, द 18th सेंचुरी फ्रांस विटनेस द इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास, हु वर दे एंड व्हाट वर देयर आइडियाज। तो 18th सेंचुरी के फ्रांस में जो हमने देखा कि मिडिल क्लास काफ़ी ज़्यादा उभर करके आई, मिडिल क्लास कौन थी और उनके आइडियाज़ क्या थे। तो 18th सेंचुरी ने विटनेस किया एमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स टर्म्ड एज मिडिल क्लास। दे देखिए इस तरीके से पॉइंटों में आंसर रखेंगे तो बड़े अच्छे मार्क्स आते हैं फिर। दे अर्न देयर वेल्थ थ्रू एक्सपैंडिंग ओवरसी ट्रेड एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स सच एज वुडन सिल्क टेक्सटाइल दैट वर एक्सपोर्टेड और बॉट बाय द रिचर मर्चेंट्स ऑफ सोसाइटी। तो उन्होंने व्यापार करके पैसा कमाया। इन एडिशन टू मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चर थर्ड स्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशनल सच एज लॉयर्स, प्रोफेशनल जैसे कि जो प्रोफेशनल जैसे लॉयर्स हो गए या फिर और जो दूसरे व्यापारी हो गए, ये सारे के सारे जो थे मिडिल क्लास थे और उन्होंने अपने मेरिट के बेस पर मेरिट के बेस पर यानी कि उन्होंने अपने दम पर अपनी प्रतिभा के बेसिस पे उन्होंने पैसा कमाया, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ वॉज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, गिव रीज़न। तो भाई परवेज मुशर्रफ तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री थी तब पाकिस्तान, तो पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ वॉज अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। ही अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू हिज विल एंड फॉर हिज पर्सनल बेनिफिट्स एंड इशूड लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। ही डिसमिस्ड द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, फाइनल पावर वॉज रेस्ट विद मिलिट्री ऑफिसर। तो भाई मिलिट्री ऑफिसर के पास ही फाइनल पावर पूरी की पूरी थी, तो परवेज मुशर्रफ कोई डेमोक्रेटिक नहीं था, बहुत बुरी तरीके से उसने देश चलाया। नेक्स्ट देखिए, वट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल बनाने में एजुकेशन का क्या रोल होता है। तो रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल इज एज फॉलोज, एजुकेटेड सोसाइटी फैसिलिटेट बेटर हेल्थ बेटर डेवलपमेंट प्रोग्राम देन एन इलिटरेट वन। तो भाई ज़्यादा अच्छे से देश प्रोग्रेस कर पाता है अगर जनता लिटरेट होती है, पढ़ी लिखी होती है। थ्रू एजुकेशन अ पर्सन हैज ऑल राउंड डेवलपमेंट बाय विच ही कुड मास्टर द नॉलेज एंड स्किल, एजुकेशन से भाई बहुत सारी चीज़ें ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सकता है, बहुत सारी स्किल सीख सकता है। इट मेक्स अ पर्सन सूटेबल टू परफॉर्म अ नाइस जॉब एंड गॉट अ रिस्पेक्टेबल सैलरी, अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है। इट ओपन्स न्यू एवेन्यूज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन प्रोवाइड्स प्रोडक्टिविटी एंड प्रोस्पेरिटी एंड ऑल्सो इम्प्रूव एनहेंस्ड लाइफ एक्सपीरियंस, एजुकेशन इंक्रीजेज नेशनल इनकम एंड कल्चरल रिचनेस। तो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है एजुकेशन से। तो और वाला जो है मिड डे मील स्कीम है, मिड डे मील स्कीम जो स्कूल में बच्चों को खाना दिया जाता है दोपहर के टाइम में, और यही मिड डे मील स्कीम है।
नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। तो जो इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन होता है इसका क्या महत्व होता है? रेगुलर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। दे नो दैट इफ दे रेज इशूज दैट पीपल वॉन्ट टू बी रेज, देयर पॉपुलैरिटी एंड चांसेस ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। बट इफ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर्स विद देयर वर्क, they will not be able to win again। मतलब भाई अगर वो ऐसी बातें करेंगे और ऐसे काम करेंगे जो लोगों को पसंद आएंगे तो वो नेक्स्ट इलेक्शन जीत जाएंगे, अदरवाइज हार जाएंगे। If political parties motivated only by desire to be in power, even then it will be forced to serve the people। अगर उनको सिर्फ ताकत में ही रहना तब भी उनको लोगों के लिए काम तो करना ही पड़ेगा, वरना लोग वोट नहीं देंगे। सेक्शन सी जो है इसमें थोड़े से और लॉन्ग आंसर्स लिखने होते हैं। In spite of abundant rainfall, India is a water thirsty land. Why it is so? हमारे देश में भरपूर मात्रा में बारिश होती है, फिर भी पानी की कमी क्यों है हमारे देश में, ये बताना है। तो even though India receives abundant rainfall, it is still a thirsty land. This is because of the following reasons. Rainfall is not uniform in all places throughout the country. Some areas have more rainfall and some receive scanty rainfall. यानी कि देश में बारिश तो होती है मगर हर एरिया में बराबर नहीं होती, कहीं पर बहुत ज़्यादा होती है तो कहीं पर बहुत ही कम होती है। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड कॉन्सिक्वेंट राइज इन टेम्परेचर, देर इज़ अ टेंडेंसी फॉर द क्विक इवेपोरेशन ऑफ वाटर, मेकिंग द क्लाइमेट ड्राई एंड हॉट। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बढ़ रहा है, उसकी वजह से पानी जो भरता आता भी है ना टपकता है, हल्की बारिश होती है तो वो उड़ भी जाता है भाप बन के। नो सफिशियंट मेजर्स हैव बीन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू बिल्ड वाटर रिजर्व्स एंड मेक फैसिलिटीज फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो सरकार रेन वाटर हार्वेस्टिंग ज़्यादा अच्छे से नहीं करती है और हम भी नहीं करते हैं खुद। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन एंड चेंजिंग लाइफ स्टाइल हैव पोज्ड अ सीरियस थ्रेट टू वाटर सिक्योरिटी। बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन बढ़ रही है, लाइफ स्टाइल चेंज हो रहे हैं तो वाटर सिक्योरिटी का इशू बन रहा है। लो पब्लिक कॉन्शियसनेस अबाउट द ओवरऑल स्कार्सिटी एंड इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ वाटर रिजल्ट इन इट्स वेस्टेज एंड इनसफिशियंट यूज लीडिंग टू स्कार्सिटी। लोग फालतू में बहाते हैं इसकी वजह से कमी हो रही है। वाटर कंजर्वेशन पॉलिसीज एंड वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट्स आर इम्प्लीमेंटेड इम्प्रॉपरली विदाउट गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। हम लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह तो बनाते हैं बट सही से उनको पे काम नहीं करते ताकि पानी हम बचा सकें। नेक्स्ट देखिए, देर इज़ अ ग्रेट वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन इन इंडिया, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश। तो भाई बारिश जो है अलग अलग इलाकों में अलग अलग होती है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। तो देखिए इसका जो आंसर है यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ा सा आंसर है यहाँ तक है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है दिक्कत, क्या है ना कि भाई रेगिस्तान भी हैं पहाड़ भी हैं, प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश होता है। हिमालय में काफ़ी सारी बारिश होती है, मेघालय में दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मगर रेगिस्तान है वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। कहीं पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कहीं पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है, तो भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। अब देखिए, असम हैज़ मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी, गिव रीज़न। असम की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो थोड़ी कम है, क्यों? तो देखो, असम हैज़ मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है असम की बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है यहाँ पे, ठीक है। अब हिली डिसेक्टेड एंड रॉकी नेचर ऑफ द टेरेन एरिया, मतलब पहाड़ी इलाके हैं और पहाड़ी इलाकों में पॉपुलेशन डेंसिटी कम ही होती है, वहाँ पे रहना दूभर होता है, मुश्किल होता है। चांसेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आर वेरी लेस ड्यू टू हिली एरियाज, लेस फर्टाइल सॉइल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इन द लेट 1960s ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू द कल्टिवेशन ऑफ हाई ईल्ड वेराइटी ऑफ सीड्स। एक सेकेंड, यहाँ तक ये आंसर ख़त्म हो चुका है कि भाई वहाँ पे क्यों है कम, क्योंकि भाई पॉपुलेशन कम इसलिए होती है ना क्योंकि पहाड़ों में रोड्स बनाना मुश्किल होता है, वहाँ पे रहना भी मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ से स्टार्ट है कि भाई देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है और इंडिया ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से अपना सेल्फ सफिशिएंट कैसे बन गया। तो इसका आंसर है कि भाई लेट 1960s में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया इंडिया में, हाई ईल्ड वैरायटी ऑफ सीड आए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ज़्यादा उपज रही तो भाई ज़्यादा फसल होगी तो भाई सब कुछ बढ़िया हो गया। बस ये इसका आंसर है, यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन हेल्प द पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स टू विन इलेक्शन। तो इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन की वजह से मतलब पॉलिटिकल पार्टीज लीडर कैसे मतलब इलेक्शन जीतते हैं, तो इसका आंसर देखो,
रेगुलर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन प्रोवाइड इंसेंटिव टू पोलिटिकल पार्टी एंड लीडर. दे नो दैट इफ देर इज इशू दैट पीपल वॉन्ट टू बी रेज देयर पॉपुलरिटी एंड चांसेज ऑफ विनिंग विल इंक्रीज इन नेक्स्ट इलेक्शन. हमने पहले समझ लिया था. बट इफ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर विद देयर वर्क दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन. तो भाई दोबारा से फिर वो नहीं जीत पाएंगे. ये हो गया हमारा. फिर उसके बाद वट आर द लिमिटेशन ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट. तो कोलिशन गवर्नमेंट की लिमिटेशन क्या क्या होती हैं. ये आंसर है प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू अकोमोडेट डिफरेंट ग्रुप्स एंड फैक्शन इन हिज पार्टी एज वेल एज अलायंस पार्टनर्स. ही ऑल्सो हैज़ टू पे हीड टू द व्यूज एंड पोजिशन ऑफ कोलिशन पार्टनर्स एंड अदर पार्टीज ऑन हु सपोर्ट द सर्वाइवल ऑफ गवर्नमेंट डिपेंड. एजेंडा एंड द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट आर यूजली डिसाइडेड एज अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स. दिस इंक्लूड ओनली दोज पॉलिसीज विच आर कॉमन टू कोलिशन पार्टनर्स. तो देखो कोलिशन गवर्नमेंट होती है मिली जुली सरकार. जब एक पार्टी सरकार बनाने में नाकामयाब रहती है, एक पार्टी सरकार नहीं बना पाती, पूरी सीटें नहीं ला पाती, तो अलग अलग पार्टी मिलकर के सरकार बनाती है. मगर इसमें क्या होता है ना कि सारी पार्टीज को खुश रखने के लिए और सबकी सुनने के लिए सरकार ज़्यादा मतलब अच्छे से काम नहीं कर पाती. नेक्स्ट है हाउ वॉज द बैड कंडीशन ऑफ वुमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर रशियन रिवोल्यूशन. महिलाओं की बुरी स्थिति रूसी क्रांति के लिए महिलाओं की बुरी स्थिति किस प्रकार उत्तरदायी थी. तो इसका आंसर देखिए मोस्ट ऑफ द वुमेन वर वर्किंग इन स्मॉल फैक्ट्रीज. वुमेन मेड अप अबाउट 31% ऑफ फैक्ट्री लेबर फोर्स. दे वर पेड लेस वेजेस एंड वर फोर्स टू वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स. व्हेन दे लॉस्ट इन एजुकेशन दे वर फायर्ड बाय द पुलिस. तो भाई औरतों को काम ज़्यादा लिया जाता था औरतों से और पैसा कम दिया जाता था. वुमेन्स को गुस्सा आया, रिवॉल्यूशन कर दिया. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम. तो स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम क्या था. तो स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, स्टालिन बिलीव्ड दैट द कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वुड हेल्प इन इम्प्रूविंग ग्रेन सप्लाईज इन रशिया. ही बिगेन कलेक्टिवाइजेशन इन 1929. ऑल पेजेंट्स वर फोर्स टू कल्टिवेट कलेक्टिव फार्म्स कोलहोस. द बल्क ऑफ लैंड एंड द इम्प्लीमेंट्स वर ट्रांसफर टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म. मैनी पीजेंट्स प्रोटेस्टेड सच अटेम्प्ट्स एंड डिस्ट्रॉयड लाइफ स्टॉक टू शो देयर एंकर. कलेक्टिवाइजेशन डिड नॉट ब्रिंग द डिजायर रिजल्ट इन फूड सप्लाई सिचुएशन, टर्न्ड इवन वर्स इन सब्सिक्वेंट ईयर्स. तो स्टालिन ने जो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम बनाया था ना, इसमें क्या था कि भाई सब लोग एक ही खेती, बहुत बड़े बड़े खेत होंगे और सबके खेत होंगे वो, और सब उस पर मिल करके काम करेंगे. मगर उनके पास कोई इंसेंटिव ही नहीं था कि भाई अगर वो ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उनको ज़्यादा उपज मिलेगी. कुछ भी नहीं था, सबको बराबर ही मिलता. तो लोगों ने काम ही करना बंद कर दिया इस चक्कर में. तो भाई इसका नुकसान ही हुआ था. राइट डाउन फीचर्स ऑफ माउंटेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. तो माउंटेन फॉरेस्ट के जो फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पहाड़े वाले इलाके के जो फॉरेस्ट होते हैं. डिक्रीजिंग टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड लीड टू द कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन द नेचुरल वेजिटेशन इन माउंटेन एरिया. सच टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट कैन बी फाउंड इन ट्रॉपिकल टुंड्रा रीजन. द वेट टेम्परेचर टाइप, देखिए ये वाला जो है ना, ये तो आपको याद ही करना है. तो इसका यहाँ से आप लोग आंसर देख सकते हैं. फीचर ऑफ माउंटेन फॉरेस्ट ऑफ, उसके बाद माउंटेन एरिया में जो है वो चेंज टेम्परेचर में कैसे आता है, इधर से देख लीजिए. नेक्स्ट देखिए हिमालय में होते हैं ये वाले, ठंडे इलाकों में होते हैं, और टेम्परेट वेट फॉरेस्ट ये वाला जो है. अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32. व्हाट आर द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन योर रीजन, मेक अ शॉर्ट लिस्ट. नॉन फार्म एक्टिविटीज़ आपके रीजन में कौन कौन सी हो रही हैं या होती हैं, ये आप लोगों को बताना है. तो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ से देखिए आंसर है इसका, आंसर 32. नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ टेकिंग प्लेस इन आर रीजन आर, डेयरी फार्मिंग होती है. डेयरी फार्मिंग यानी कि दूध निकाल करके बेचा जाता है. स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री यानी कि छोटे छोटे से व्यापार करने के लिए इंडस्ट्रीज लगा ली जाती हैं. फिर शॉपकीपिंग, दुकानदारी जो होती है सामान बेचने वाली. वेंडर्स यानी कि लोग जो हैं बस स्टैंड के आसपास जैसे खड़े होते हैं और सामान वगैरह बेच रहे होते हैं. तो ये नॉन फार्म एक्टिविटीज़ होती हैं गांव के इलाकों में. व्हाट इज़ द एम ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट एनी फोर रिक्वायरमेंट्स नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. भाई उत्पादन का उद्देश्य क्या है. तो एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज वी वांट. दिस रिक्वायर फोर इनपुट विच आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो भाई हमें जो सामान चाहिए उसको हम बनाते हैं, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह की मदद से जैसे कि लैंड, लेबर और रॉ मटेरियल, ह्यूमन रिसोर्स, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं. कैपिटल, पैसा भी चाहिए होता है. तो ये यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया गया. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्वेश्चन नंबर 33. ये वाला बहुत
ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और एक्सप्लेन द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ कंट्री. तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज़ अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री. कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी एंड ऑल्सो रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट. एज सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन द राइट्स ऑफ सिटीजन पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड हाउ गवर्नमेंट शुड फंक्शन. इट जनरेट डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर. इट स्पेसिफाई हाउ गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड विल हैव पावर टू टेक डिसीजन. इट लेज डाउन सॉरी मतलब देखिए जो जब तक होता है कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है भाई. एक ना डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारे देश के कानून लिखे गए हैं. हमारा अपने देश के कानून से कैसा रिश्ता होगा, अपने फेलो बींग से यानी कि बाकी सिटीजन से क्या रिश्ता होगा, किस तरीके से कंट्री में जो है लॉस चलेंगे, क्या क्या राइट्स होंगे सिटीजन के, क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, ये सारा का सारा काम होता है, लिखा हुआ होता है आराम से कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है हमारे पास और में है, एक्सप्लेन फाइव मेजर फैक्टर्स विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फ्रेमिंग ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन कौन से फैक्टर की वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है. तो फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया ईजी टास्क नहीं था. हम लोग अलग अलग धर्म जाति अलग अलग जगह रहने वाले लोगों के भावनाओं को हर चीज़ को कंसिडर करना था. मेजर फैक्टर जो कि कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं, द पीपल ऑफ इंडिया वर इमर्जिंग फ्रॉम सब्जेक्ट्स ऑफ टू सिटीजन दे हैड बिकम कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स एंड प्राइवेसेस. भाई गुलामी से उठ कर के आ रहे थे तो हमें अपने अधिकारों की मांग भी चाहिए थी भाई कि अधिकार हमें मिले, फंडामेंटल राइट्स. आर लीडर्स हैड गेन्ड अनफ कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम द स्ट्रगल ऑफ अदर कंट्रीज. मैनी वर इंस्पायर्ड बाई द आइडियाज ऑफ फ्रटर्निटी लिबर्टी एंड इक्वालिटी ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन. तो फ्रेंच रिवोल्यूशन के जो आइडियाज थे ना, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रटर्निटी, जो हमारे प्रीएम्बल में भी लाए गए हैं, यहाँ से लिया गया. दे वर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बींग प्रैक्टिस इन ब्रिटेन एंड पासिंग ऑफ बिल्स टू मेक लॉज अन लाइक यूएस. सोशल रिवोल्यूशन इन रशिया ऑल्सो इंस्पायर्ड इंडियन टू फ्रेम सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी. हेंस मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट सिंपली इमिटेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज, रादर दे क्वेश्चन वेदर दीज वैल्यूज एंड आइडिया सूटेड अवर सिटीजन और नॉट. तो देखो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी आइडियाज लिए, हमने ब्रिटेन से भी लिए, हमने रशियन रिवॉल्यूशन से भी लिए, मगर हमने सबकी कॉपी नहीं करी है. सिंपल हमने अपने देश के हिसाब से उन आइडियाज को ढाला भी है. अब ये देखिए एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास आते हैं. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बच्चों को एकदम ध्यान से पढ़ना होता है इसको, और फिर ध्यान से पढ़ने के बाद आंसर करना होता है. ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो अच्छे से करना. सर सबसे उससे पहले ना हम ना मैप देख लेते हैं. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है उससे पहले मैप देख लेते हैं. अच्छा मैप मैंने यहाँ बढ़ा नहीं है. तो देखो मैप के जो इंपॉर्टेंट हैं वो क्या क्या है. प्लेस वेयर द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th century. तो स्लेव ट्रेड जो है बॉर्डियोक्स में स्टार्ट हुआ था. और सेंट्रल पावर ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेंट्रल पावर जर्मनी. तो ब्यूडॉक्स और जर्मनी ये आप मैप में जो है आपको दिख जाएगा उसमें. सॉरी मैं डालना भूल गई हूँ. और मालवा प्लेट्यू है, ये वाला इंपॉर्टेंट है. और शिवपुरी नेशनल पार्क, गेंगीज और मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वाला जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अच्छा ये रहा, इसमें हमारा बॉर्डोक्स और जर्मनी. तो जर्मनी जो है वो ये रहा, ये बॉर्डोक्स हो गया हमारा, ठीक है, और ये वाला हो गया जर्मनी. नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट हम लोगों का नहीं दे रखा है इन लोगों ने यहाँ पर मैप. इंडिया वाला मैप अभी मैं आपको दिखा देती हूँ ऑनलाइन. तो ये वाले पढ़ लेते हैं पहले हम लोग. टेक्स्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कि हम लोगों को पूरा का पूरा टेक्स्ट पढ़ना होता है और उसके बाद आंसर करना होता है. इसमें हमारा क्या है, पहला कि गुड जर्मन जनरल वर सब्जेक्टेड टू प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग. तो इसमें जो हिटलर था, जिनको अच्छा समझता था कि भाई ये वाले बढ़िया, तो उनको नाजी स्कूलों में डाला जाता था. उनका पूरी तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता था कि भाई हिटलर तो अच्छा है, हिटलर जर्मनी को ग्रेट बनाएगा, अच्छा कर देगा. तो गुड जर्मन चिल्ड्रन को वर सब्जेक्टेड टू प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग. स्कूल टेक्स्ट बुक्स वर रीरिटन. रेडिकल साइंस वॉज इंट्रोड्यूस टू जस्टिफाई नाजी आइडिया ऑफ रेस. स्टीरियोटाइप्स अबाउट ज्यूज वर पॉपुलराइज्ड इवन थ्रू मैथ्स क्लासेस. तो स्टीरियोटाइप मतलब जर्मन्स ने ये फैला दिया कि ज्यूज बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं, बचपन से बच्चों के दिमाग में डाला. चिल्ड्रंस वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, हेट ज्यूज एंड वर्शिप हिटलर. हिटलर की पूजा करना सिखाया.
इवन द फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट वॉज टू नर्चर अ स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड अग्रेशन अमंग चिल्ड्रन. हिटलर बिलीव दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड एंड स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर. भाई बॉक्सिंग सिखाई, लड़ो झगड़ो ये सब सिखाया. वाई डिड हिटलर फोकस ऑन कंट्रोलिंग चिल्ड्रन एंड यूथ. भाई बच्चों को जो सिखाते हो ना वो फिर पूरी जिंदगी रहता है फिर आपके साथ. तो हिटलर वॉज फिनेटिकली इंटरेस्टेड इन यूथ ऑफ द कंट्री. ही फेल्ट दैट अ स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी could be established only by teaching children Nazi ideology. This require control over child both inside and outside school. Organization formed to infuse a spirit of national socialism among German children and youth. तो भाई देखो बच्चों को बचपन से ही जंक वोक करके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में डाल दिया जाता था. What were the peculiar feature of Nazi world view? Nazi world view का अजीब फीचर था कि भाई Nazi जो हैं वो ज़्यादा बढ़िया हैं, बाकी सब लोग बेकार हैं, racism अच्छा है, ये सब चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती थी. Next देखिए Indian landmass has a central location between East and West Asia. India is a southward extension of Asian continent. The Trans-Indian Ocean routes which connect the तो इसमें पहले अपना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. When did Suez Canal first open? How it helped India? तो Suez Canal कब ओपन हुई थी? सबसे पहले 1869 में. और इससे क्या हुआ था? यूरोप और इंडिया का डिस्टेंस रिड्यूस हो गया था. ये फर्स्ट का आंसर है. स्टेट ये इंग्लिश की तरह सॉल्व करना चाहिए. पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर पहला. स्टेट एनी टू रीजन दैट मेक इंडिया स्ट्रैटेजिक लोकेशन एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन सो इम्पॉर्टेंट. भाई बिल्कुल बीच में पड़ता है इंडिया, तो दोनों तरफ का जो रास्ता जा रहा है ना इंडिया को पास किए बिना नहीं निकल सकता. तो भाई इंडिया स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और इससे इंडिया क्लोज रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकता है साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया दोनों के दोनों से ही. ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. विच पेनिनसुला हेल्प्स इंडिया टू एस्टैब्लिश ईजी कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, यूरोप एंड वेस्टर्न कोस्ट. तो भाई कौन से पेनिनसुला की वजह से इंडिया ने बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप बना लिए थे? तो ये डेक्कन पेनिनसुला की वजह से. तो डेक्कन पेनिनसुला की वजह से इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप बना लिए थे. तो डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड इनटू इंडियन ओशन हेल्पिंग इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज रिलेशन विद बाकी सब. ये हो गया हमारा. अब ये पॉवर्टी वाला जो है एक्सट्रैक्ट ये वाला भी देख लेते हैं. चलिए पॉवर्टी जो आपका चैप्टर है इकोनॉमिक्स वाला वहाँ से ये है. तो क्वेश्चन पढ़ते हैं. व्हाट स्टेट हैज़ हाईएस्ट रेट ऑफ पॉवर्टी? तो भाई देखिए हाईएस्ट रेट ऑफ पॉवर्टी है तो आपको याद होना चाहिए कि भाई इन सब में बिहार में है. पॉवर्टी रेशियो 33.7 है. ये वाला तो मतलब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है. ये देखिए बिहार एंड उड़ीसा कंटिन्यू टू बी द टू पुअरेस्ट स्टेट. इज इट एक्यूरेट टू से दैट केरला हैज़ इरेडिकेटेड पॉवर्टी थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एट हाईली सब्सिडाइज रेट? तो हाईली सब्सिडाइज रेट पे जो है केरला ने खाना दिया और उसकी वजह से वो मतलब उसने पॉवर्टी खत्म कर दी. तो देखिए ये बात ठीक नहीं है. उन्होंने एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है. केरला हैज़ फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. इस वजह से केरला जो है वो पॉवर्टी से बाहर आ पाया है बिकॉज ऑफ द फोकस ऑन द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. नेक्स्ट है विच स्टेट इज पॉवर्टी मोस्ट प्रेवलेंट? तो पॉवर्टी सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट कौन कौन सी स्टेट्स में है? तो यहाँ पर देखिए इधर MP, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, इसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉवर्टी इंडिया में देखने के लिए मिलती है. तो ये सारे हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए. वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें.